नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अंधेरे पश्चिम स्थित ओशिवरा में एक और प्रोडक्शन हाउस लॉन्च। जी हां, दिव्या फिल्म्स के बैनर तले न्यू प्रोडक्शन हाउस और दीपावली सेलिब्रेशन संपन्न, बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर एंटायर टीम मौजूद रही। आपको बता दूं कि दिव्या फिल्म्स ने दीपावली 2018 के सेलिब्रेशन के मौके पर तीन बड़े अनाउंसमेंट किए। एक सुखराज सिंह सुखी नया प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं, दूसरा मिक्की संधू बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सब लोग को, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली सुनते ही हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि घर की सजावट, दिए लगाना, पटाखे जलाना, मिठाइयाँ बांटना, पूजा। तो ऐसे दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं। तो ये भी कहना चाहूँगा कि फिल्म प्रोड्यूस किया आपने, तो बहुत बिना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि और आगे भी आप प्रोड्यूस कर रही हैं दो प्रोजेक्ट्स को, तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर और जो आगे कर रही हैं उसको लेकर डिस्कस कीजिए, क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह से वो देख रही हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो फिल्म अभी हम कर रहे हैं 40% फिल्म हो गई है, थोड़ी बाकी है फिल्म जो हम फरवरी में शूट करने वाले हैं एंड बहुत जल्द फिर उसको रिलीज भी करेंगे हम। और हाल ही में ये भी सुनने में आया कि एक नया भी प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाली है अपने ब्रदर इन लॉ को, उसमें सपोर्ट के लिए, तो क्या कहते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, कब करने वाली है? और जी जी, मैं एक और प्रोजेक्ट अपना शुरू कर रही हूँ, रोमांटिक मूवी है वो भी बहुत जल्द ऑन फ्लोर जाने वाली है। एंड मेरा ब्रदर सुखराज सिंह सोखी, उसको भी मैं लॉन्च कर रही हूँ, एक नया प्रोडक्शन लॉन्च कर रही हूँ। हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप मिलवाइए हमें। नए प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ मेरा ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ, एज ए एक्टर मैं उसको लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्द। मिक्की संधू, प्लीज कम। मेरा ब्रदर इन लॉ है तो इसको भी। पैनल से इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार का करता है, जरा कुछ बताएं अपने बारे में। सबसे पहले परिचय अपना। या मेरा नाम मिक्की संधु है और ये मेरी भाभी हैं और ये भाभी के भाई हैं, जो अभी इनका न्यू प्रोडक्शन हाउस शुरू होने वाला है, जिसकी सपोर्ट से, भाभी की सपोर्ट से और उन्हीं की सपोर्ट से मैं भी होने वाला हूँ। पारिवारिक माहौल सिर्फ घर पे रहेगा, प्रोडक्शन हाउस में एज अ एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा तेल निकालेंगे। जरूर जरूर। कितनी तैयारी कर रहे हैं आप इस प्रोडक्शन में, अगर लॉन्च की बात करें, आपको लॉन्च किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत तैयारी चल रही है मेरी, और जैसे कि बॉडी पे चल रहा है वर्क और डांसिंग पे चल रहा है। एक्टिंग के मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन किए हैं अभी, डांस क्लासेस और रियस सब चल रही है, बस तैयारी चल रही है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ये मैं अपने दीदी की सपोर्ट से एज ए प्रोड्यूसर अभी मैं कर रहा हूँ, तो इनके गाइडलाइन से चलना है अभी, इनके ऊपर यही सब मेरे को गाइड करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ने वाली है। हाँ जी हाँ जी, वही इनका बस साथ है तो फिर कोई भी। कितनी तैयारी है आपकी? फिलहाल तो चालू है काफ़ी कुछ। स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन है? सॉरी, स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन चेहरे होंगे आपकी मूवी में? स्टार कास्ट अभी चल रहा है, जो भी कास्टिंग अभी चल रही हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च हो जाएगी, बाकी की प्रिपरेशन भी फिर शुरू हो जाएगी। किस बजट की मूवी होगी? बड़े बजट की होगी? बड़े बजट की मूवी होगी, ऑफ कोर्स बड़े बजट की मूवी होगी। अच्छा, बड़ा टफ है या बहुत टफ? उसके लिए पूरी या पूरी तैयारी सिर्फ एज ए एक्टर, घर पे जो है ब्रदर इन लॉ। जी हाँ, साथ ही तीसरा और बड़ा अनाउंसमेंट, आमीन फिल्म का पोस्टर बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। आमीन फिल्म 84 सिख विरोधी दंगों पर आधारित है। 31 अक्टूबर 1984 के रात जो कुछ हुआ वो लोग भूल नहीं पाए हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी के दो अपने अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद क्या हुआ दुनिया जानती है। जानकारी मिली है कि
हमें भी शूट होने जा रहे फिल्म जो काफी कंट्रोवर्शियल जिसको कहा जाए सुनने में आ रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली, क्या कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, वो क्या है वो फिल्म, सब्जेक्ट किस प्रकार की है, और उसमें स्टार कास्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे, आमीन की अगर बात करें तो? जी, मैंने टाइटल बड़ा हट के लिया है आमीन। आमीन मतलब हम लोग सब जानते हैं आमीन का मतलब एक दुआ जो किया तो पूरी हो जाए। 1984 पे आप लोग सबको पता है 1984 में क्या हुआ, जो आज भी मतलब उस केस को आज भी बंद है, उस पर आज भी मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, किसने क्या किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं, कोई आज भी उस पर बात करना चाहता नहीं और आगे होगी भी नहीं। मैं मतलब एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, छोटी सी बच्ची की कहानी है, 7 से 8 साल की बच्ची है, और दंगों में उसके क्या हुआ एग्जैक्टली, उस दंगों में बच्चों क्या हाल हुआ, बच्चे कहाँ गए, इसके बच्चों के माँ बाप मर गए या बच्चे अनाथ हुए, उन बच्चों क्या हुआ 84 में, उन बच्चों किसने गोद लिया, किसके साथ क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए, ये अपनी किसी को भी नहीं पता, काइंड ऑफ उसके ऊपर सारी स्टोरी है, एक बच्ची की कहानी है। चौरासी की अगर दंगों की बात करें तो आज भी उस पर चर्चा होती है, लोग केवल राजनीति करते हैं, अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि जब बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं तो आवाजें होती हैं, तो इस प्रकार के भी डायलॉग या इस प्रकार की सीनरी या 84 का पूरा दंगा फिल्माया जाएगा इस फिल्म में या किस प्रकार? नहीं, ऑफ कोर्स पूरा पूरा दंगा आजमाया जाएगा, और ये वर्ड किसने बोले थे अपनी इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा नाम है उनका जिन्होंने ये वर्ड बोले थे कि अगर बड़ा दर्द खिलता है तो जोड़ों से कुछ तो होता है, मैं चाहूँगा नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड नहीं है उनका, और बिल्कुल दंगे पूरे दिखाए जाएंगे, ट्रक कैसे चले थे, सरदार कैसे चले थे, ओरिजिनल टी शूट करने जा रहा हूँ, जाट आदमी हूँ, सरदार आदमी हूँ, ओरिजिनल टी करूँगा, ओरिजिनल टी दिखाऊंगा। तो उसमें एक ऐसी भी बातें चल के आ रही थी कि उन दिनों उस दौरान जब 84 का दंगा हो रहा था तो उसमें कुछ सिख लोगों ने अपने दाढ़ी भी कटा दिए थे, बाल भी कटा दिए थे, इस प्रकार का भी सीन अगर फिल्माया जाए? बिल्कुल फरमाया जाएगा, अब जिसके छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, यार एक सरदार है, दाढ़ी रखी, पग रखी है, गुरु गुरु धारा हुआ उसने, पूरा कुर्बान पहनी हुई है, अब उसके जिसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सिक्खी यहाँ होती है दिल में, मैं कुछ सरदार हूँ, अब 50 लोग सामने मारने खड़े और उसको पता है कि यार अगर मेरी बाल की वजह से मेरे बच्चे और मैं मर जाऊँगा, तो उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बाल कटाए, दाढ़ी कटाई है, ओरिजिनलिटी है, सच्चाई है ये कि उस इंसान ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुर्बानी, सरदार बने ही कुर्बानी के लिए, यार सरदार ने स्टार्टिंग से आज तक कुर्बानी दी किया क्या, 2% है हिंदुस्तान में, आज स्टार्टिंग से आज तक कुर्बानी दी है, तो उसके लिए ही उन आदमी एक ने नहीं कईयों ने अपनी फैमिली बचाने के लिए किया है, और इसमें कई लोग ऐसे थे भाई जो हिंदू होते भी अपने दोस्तों के लिए मरे हैं, उनके परिवार बचाने के लिए मरे हैं, उनकी इज्जतें बचाई हैं उन लोगों ने, और मुस्लिम पूरे खड़े हुए इस चीज में 84 में। तो इस सब्जेक्ट पे 84 की अगर बात करें तो काफी फिल्में बन चुके हैं सर, दिखा चुके हैं लोग, क्या ऐसा कुछ बाकी रह गया है जो आप दिखाना चाहते हैं आमीन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना? सर सबने ये दिखाया, दर्द दिखाया सबने, फील दिखाई है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो अभी तक किसने सोचा देखा भी नहीं है। आज एक छोटे सा बच्चा अगर आज पूछता है आपसे कि मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मुझे बताइए कि मैं किस सरकार के बच्चा हूँ, हमारा कसूर क्या था, हमारा कसूर क्या था, हम क्यों अनाथ हुए ना, तो बच्चे को बच्चे जब पैदा होता हम बताते हैं कि सरदार है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उससे बच्चा पैदा होते उसको तो नहीं पता ना वो किस कौम से रखता है, बच्चा कभी कौमों से नहीं मालूम होता, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे पाओगे, कोई मीडिया जवाब दे पाएगी कि मैं आज अनाथ हुआ हूं तो मुझे बताओ मैं किसके घर जाऊं, मुझे बताइए क्या आपने कोई नेता या कोई अभिनेता या कोई जवाब दे पाएगा उस बच्चे को, ये रियलिटी कहानी है 9 साल के बच्चे की जिसने फेस किया है पूरा, और जल्दी भी दिखा जाऊ। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इन
इसमें मतलब दर्दनाक मुद्दे को देखा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरे आपने डिसाइड किया है या किसको लेके आपने कहानी लिखी है, क्या कुछ? ऑलमोस्ट स्टोरी मेरी कंप्लीट है, थोड़ा सा बस काम चला स्क्रिप्ट के ऊपर, और पुराने छा मैं 10 दिन के बाद पोस्टर लॉन्च करने जा रहा हूँ इसका, आमीन का। और फैब के पहले पहले हम लोग शूटिंग चालू कर लेंगे। हम लोग कास्टिंग है, एक नई लड़की की तलाश है, बच्ची की हमें ऑलमोस्ट नहीं, और बाकी सब बड़ी कास्टिंग से जो हम लोग कर चुके हैं सबसे मेरी बात हो चुकी है। म्यूज़िक मेरा दो गाने जयदेव जी कर रहे हैं इस फिल्म का, साजिद कर रहा है इसका एक गाना मेरा, और कवाली है मेरी पाकिस्तान से। कॉन्ट्रोवर्सी फिर मेरे साथ हुई गरीब के साथ कि पाकिस्तान से क्यों, तो ऐसा कि आर्टिस्ट के लिए तो भाई ना तो पाकिस्तान है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है। इस मुताबिक मैं एक कवाली पाकिस्तान से ले जा रही है, और फिल्म को मैं कश्मीर में भी शूट कर रहा हूँ, जम्मू से स्टार्ट हो रही है मेरी फिल्म, जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली के निज़ामुद्दीन तक की शूट है मेरा सारा। और इसकी शूटिंग का प्लान आउट भी, शूटिंग का डेज भी मेरा 60-70 डेज शूटिंग के हैं। मोस्टली फिल्में 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 70-80 दिन का शूट जाएगा इसमें। तो जम्मू या कश्मीर जब शूट के लिए जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ऑरिजिनलिटी जहाँ जहाँ गुरुद्वारा जले हैं, जो जो गुरुद्वारा जलाया गया, जहाँ जहाँ स्टार्ट हुआ है कश्मीर में भी इस तरीके जी बिल्कुल। जम्मू में हुआ, मैं फिल्म जम्मू से स्टार्ट कर रहा हूँ। जम्मू में प्रॉपरली गुरुद्वारा जलाया गया था जो आज भी है, कुछ चीज़ें मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा इसीलिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है फिल्म को रोका भी जाएगा कि आगे रोकने की कोशिश की जाएगी फिल्म को। पर डेफिनेटली मैं नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि कांग्रेस को दुख होगा, उसके पेट में दर्द होगा, क्योंकि 84 के दंगे को जो भी छेड़ता है जी जी उनके पेट में दुख होता है। तो मैं कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता, मैं किसी के सपोर्ट पे भी नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो यार सर, कोई भी चीज, यही समय क्यों, अभी 2019 का चुनाव आने वाला है और इसी में आप 84 के दंगे को छेड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही बेनिफिट होगा, कांग्रेस को लॉस होगा। नहीं, अगर कांग्रेस खड़ी होती है, अगर कांग्रेस उस फिल्म को सपोर्ट, कांग्रेस को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, सिर्फ सिंपल एक बात ही तो कहनी है उनको, इस केस में हम जो मुजरिम को सजा देंगे, इतनी बात तो कहनी है उनको। अगर उसने कहना बोलना को, अच्छा, कांग्रेस करना क्या आपको, अगर इतना बोल देते हो 2019 में आ जाएंगे उनको। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।